हेलो एवरीवन वेलकम बैक सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अदर कंसेप्ट रिलेटेड टू बजट पार्ट एंड द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी यूजुअली एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर रिलेटेड टू कैश बजट सो वी हैव कम्पलीटेड द बजट रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल पार्ट तो फ्लेक्जिबल बजट हमने कम्प्लीट कर लिया है फ्लेक्जिबल बजट में जितनी भी लेवल्स आपको यूजली पूछी जाती है सारी लेवल्स मैंने आपको करवाई है वो ध्यान से उसको याद रखे उसको प्रैक्टिस करते रहे अब हम हमारे अगले कंसेप्ट में जाएंगे एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कैश बजट तो कैश बजट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम कैश बजट की बात करें तो वॉट इज कैश बजट तो आई होप कि आपका बजट का कंसेप्ट तो इसमें से क्लियर हुआ है कि बजट क्या होता है तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट बजट इज अस्टिमेट बजट इज अ कोटेशन बजट बेसिकली इज एन एस्टिमेट ऑफ वॉट बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ एंटीसिपेटेड इनकम्स एंड दी एंटीसिपेटेड वी आर एक्सपेंडिचरिंग द बजट वेल इन एडवांस एंड इट इज जस्ट अ फोरकास्टिंग इट इज अ प्रोडिक्शन अबाउट वॉट काइंड ऑफ एक्सपेंसिस ऑफ रेवेन्यू वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट तो बेसिकली अगर हम कैश बजट की बात करेंगे तो कैश बजट में सारे के सारे कैश के ट्रांजेक्शन होंगे तो कैश बजट रिकॉर्ड क्या करता है कैश बजट रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट एंड ऑल दट इज द एक्चुअल इनकम वी विल बी अर्निंग एंड अगेंस्ट दैट इनकम विल बी वी आर गोइंग टू पे तो वॉट एवर एक्सपेंसिस वी आर पेइंग दैट विल बी कंसिडर एज द पेमेंट्स तो ये जो एक्सपेंसेस का और ये जो आपके रेवेन्यू का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा मंथली बेसिस के पार्ट पे कैश बजट तो हम कैश बजट में क्या करेंगे कैश बजट में हम दो पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे एक पहला पार्ट होगा आपका रिसीट्स और दूसरा पार्ट होगा आपका पेमेंट्स रिसीट्स में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे रिसीट्स में हम जितना भी इनफ्लो होने वाला है कैश का वो रिकॉर्ड करेंगे एंड पेमेंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट्स में हम जितना भी हमारे कैश का आउटफ्लो होगा वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे

आउटफ्लो विल बी रिकॉर्डेड इन द पेमेंट्स पार्ट तो रिसीड्स को और पेमेंट्स को हमें प्रॉपरली सिस्टमैटिकली कैश बजट में रिकॉर्ड करना है यही सारी चीजें हमें कैश बजट में सीखनी है थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपके सारे लेवल्स कैश बजट के भी क्लियर हो जाए यूजुअली पेपर में कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट इन दोनों बजट्स के ऊपर ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है तो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट कैश बजट आई होप कि आपका कैश बजट का जो सिंपल क्रक्स है वो क्लियर हुआ है कि वॉट एवर इनफ्लो ऑफ कैश we are receiving that will be recorded in the receipts part and whatever payments we are going to do that will be recorded in the outflow part to thode se abhi main example wise aapko samjha tha ki isme kis tarike ke point aayenge जैसे कि अगर हम sales की बात करें sales की simple चीज है तो sales हमेशा दो parts में डिवाइड होता है sales हमेशा क्या होता है दो parts में डिवाइड होता है थोड़ा सा अलग color से बताता हूँ एक होता है आपका cash sales एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एस क्रेडिट सेल्स तो वन इज कॉल्ड एज कैश सेल्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज क्रेडिट सेल कैश सेल्स का मतलब होता है आपने क्या कर दिया आपने जो है वो फुल पेमेंट तुरंत कर दिया फुल पेमेंट आपने क्या कर दिया वन टाइम तुरंत कर दिया है बट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है क्रेडिट सेल्स में क्या होता है क्रेडिट सेल्स में पेमेंट जो है वो तुरंत नहीं होता पेमेंट क्या होता है पेमेंट आफ्टर वन मंथ या आपने पेमेंट वन मंथ के जगह पे टू मंथ्स के बाद कर दिया थ्री मंथ्स के बाद कर दिया तो यही हमें सीखना है कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा सेल्स में से कुछ परसेंटेज कैश सेल्स थे और कुछ परसेंटेज क्रेडिट सेल्स अब ध्यान रखना क्रेडिट सेल्स को इस चैप्टर में हम नाम देंगे एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स डेटर्स बिकॉज़ सेल्स इज ऑलवेज रिलेटेड विद डेटर्स ये नाम याद रखना काफी इम्पोर्टेंट नाम है वॉट एवर क्रेडिट पार्ट इज गिवन दैट क्रेडिट पार्ट के लिए हम इस चैप्टर में क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेंगे हम उसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखेंगे बिकॉज क्रेडिट सेल्स के ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया होगा एंड वी विल बी फॉलोइंग दैट एडजस्टमेंट प्रॉपरली एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट वी विल बी गिविंग नेम एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो ये हमारा सेल्स का कंसेप्ट है काफी इजी है सेल्स हमेशा दो टाइप का होता है एक है कैश सेल्स एंड अदर इज कॉल्ड एज क्रेडिट सेल कैश सेल्स जो है कैश सेल्स में आपको वन टाइम पूरा का पूरा पेमेंट मिलेगा इसलिए इसमें कोई कैल्कुलेशन इन्वॉल्व नहीं है दिस इज वेरी इजी ये काफी इजी है काफी सिंपल है इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड करना है बट वॉट एवर इज द क्रेडिट सेल्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल हैव सम अदर पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड दी एडजस्टमेंट विच वी आर गोइंग टू फॉलो दैट विल बी प्रॉपरली फॉलोड एज पर द पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन

के साथ हमारा रिलेट करता है कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस ठीक है सिंपल चीज है कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस सबसे पहले यहां पे लिखूंगा परचेजेस जैसा हमने सेल्स का लिखा था सेम वे परचेजेस भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है कौन से कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है परचेजेस एक होता है आपका कैश परचेजेस एंड दॉल्ड एज क्रेडिट परचेज काफी सिंपल है कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस तो वॉट एवर इज द कैश परचेजेस दैट मीन फुल अमाउंट यू आर पेइंग फुल अमाउंट यू आर पेइंग वन ओनली वन टाइम ठीक है एक एक साथ पूरा, का पूरा पेमेंट कर दोगे तो कैश परचेजेस होगा आपने आपके सप्लायर से रॉ मटेरियल्स मंगा लिए और आपने अपने सप्लायर्स को तुरंत पेमेंट कर दिया लेकिन अगर हम देखें तो तुरंत तुरंत इतना पेमेंट करने के लिए कंपनीज को प्रॉब्लम्स होता है इससे कंपनी क्या करता है कुछ परसेंटेज कैश के बेसिस पे पेमेंट कर देता है और बाकी सारा क्रेडिट पे ही ट्रांजेक्शन चलता है मतलब इस महीने आप हमें रॉ मटेरियल्स भेज दो अगले महीने या अगले उसके अगले महीने मतलब आफ्टर टू मंथ्स और आफ्टर थ्री मंथ्स वी विल बी पेइंग यू वट एवर इज द क्रेडिट परचेजेस तो वी विल हैव काइंड ऑफ एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन तो बहुत सारे हमें क्रेडिट परचेजेस के लिए एडजस्टमेंट दिए रहेंगे कि क्रेडिट परचेजेस की जो पेमेंट हो रही है वो दो महीने के बाद हो रही है या तीन महीने के बाद हो रही है तो सारे के सारे क्रेडिट परचेजेस के एडजस्टमेंट को फॉलो करने के बाद यू विल बी अगेन टेकिंग द टोटल एंड हियर द टोटल विल बी कॉल्ड एज पेमेंट टू क्रेडिटर्स ध्यान सेल्स में क्या नाम रखते हैं हम सेल्स में हम नाम रखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स बिकॉज क्रेडिटर्स का मतलब क्या है ये हमारे सप्लायर्स है जिनसे हमने रॉ मटेरियल्स ले लिया और अभी हमें उन्हें पेमेंट करने का टाइम आया और पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर्स ने कहा कि हमारा आपके साथ अच्छा रिलेशन है एक काम करो आप हमें टू मंथ्स के बाद या थ्री मंथ्स के बाद पेमेंट कर दो तो थ्री मंथ्स के बाद पेमेंट हुई फोर मंथ्स के बाद पेमेंट हुई दैट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट पीरियड विच इज बीन गिवन बाय अवर क्रेडिटर्स टू आर ऑर्गेनाइजेशन सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी द पॉइंट दिच यू हैव टू रिमेंबर अब मैं इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आए एग्जैक्टली exactly कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये एडजस्टमेंट को फॉलो करना है ध्यान से अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया है ये फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया है एट्टी थाउजेंड क्या दिया है सेल्स एट्टी थाउजेंड जनवरी मंथ में एट्टी थाउजेंड दिया है और हम एक काम करेंगे फेब्रुवरी मंथ में भी इसको एट्टी थाउजेंड ही लेंगे तो ये आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया है और उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है कि सेल्स में से जो ट्वेंटी परसेंट सेल्स है वो कैश के सेल्स है ट्वेंटी परसेंट कौन सेल्स है ट्वेंटी परसेंट कैश के सेल्स है एट्टी थाउजेंड में से अगर ट्वेंटी परसेंट कैश सेल्स होंगे? सेल्सेंडीडी थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंडी फोर था फोर थाउजेंड के आपके क्रेडिट सेल्स आ गए अब मैंने जैसे आपको बताया था कि काफी सिंपल कैलकुलेशन है ये जो हमारे कैश सेल्स होंगे इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा देयर विल बी नो एडजस्टमेंट रिलेटेड विथ कैश सेल्स बिकॉज सवाल ही नहीं है एडजस्टमेंट का जिस महीने में आपने गुड्स को बेच दिया उसी महीने में आपको पैसे मिल गए तो देयर अराइजेस नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैश सेल्स एडजस्टमेंट अराइजेस फॉर क्रेडिट सेल्स ठीक है अभी हम देखते हैं एडजस्टमेंट में क्रेडिट सेल्स के बारे में अगर ऐसा बोला कि क्रेडिट सेल्स जो है उसमें से आधे सेल्स हाफ मंथ का क्रेडिट पीरियड है समझो तो ऐसा लिखते हैं हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड तो आपको क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट आएगा कि क्रेडिट सेल्स के लिए हाफ मंथ का क्रेडिट सेल्स है ठीक है ऐसा क्रेडिट पीरियड दिया रहेगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ काफी सिंपल है एक पर्टिकुलर्स का यहां पे कॉलम बनाएंगे एक जनवरी ठीक है? हाफ अगर आपको क्रेडिट पीरियड दिया तो कैसे लिखना है? हाफ हाफ ड्यूरिंग मंथ, मंथ मतलब उसी में होगा और जो क्रेडिट पीरियड है हाफ जो है वो नेक्स्ट मंथ ये याद रखना काफी सिंपल है लेकिन इसमें गड़बड़ होती है हाफ ड्यूरिंग द मंथ और हाफ नेक्स्ट मंथ हाफ मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया तो आधा उसी मंथ में पेमेंट होगा और बाकी का आधा नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा अब भी कैसे इसको सॉल्व करना है देखो सिक्सटी फोर थाउजेंड का हाफ हाफ क्या बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथ मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा थर्टी टू थाउजेंड यहाँ पे नीचे डैश दूंगा और फेब्रुवरी में लिखूंगा थर्टी टू थाउजेंड देखो इस तरीके से आपको क्रॉस लिखना है थर्टी टू थाउजेंड जानवरी में थर्टी टू थाउजेंड फेब्रुवरी में लेकिन नीचे के लाइन में ठीक है अगले मंथ में भी सिक्सटी फोर है इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे थर्टी टू थाउजेंड आएगा इसके बाद अगला जो है फेब्रुवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा है मार्च तो मार्च में आपको थर्टी टू थाउजेंड मिलेगा वो आगे के मंथ्स होंगे फिलहाल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं देन इसको हम क्या करेंगे इसको तो हम टोटल करेंगे फिलहाल मैं आपको दो मंथ्स का टोटल बताता हूँ यहाँ पे थर्टी टू थाउजेंड आएगा और यहाँ पे हमारा टोटल जो है थर्टी टू प्लस थर्टी टू फोर थाउजेंड आ जाएगा ये जो टोटल हमें मिला है अभी दिस टोटल इज कॉल्ड एस वॉट दिस टोटल इज कॉल्ड एस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो ये टाइप के एडजस्टमेंट आपको कैश बजट में आएंगे एंड फॉर दैट पर्पज वी शुड बी वेरी मच क्लियर विद द कंसेप्ट अनलेस एंड एंटिल आपके ये कैलकुलेशन क्लियर नहीं होंगे कैश बजट हम नहीं बना पाएंगे दैट इज दिन पार्ट विच यू हैव टू रिमेंग एनी क्वेश्चन सिंपल चीज बताई है बिकॉज बार बार पेपर में हाफ के बारे में ही दिया है अगर वन मंथ दिया तो फिर तो बहुत ईजी है जानवरी का पूरा का पूरा अमाउंट फेब्रुवरी में लिखो फेब्रुवरी का पूरा पूरा अमाउंट मार्च में लिखो मार्च का पूरा अमाउंट एक, एक मंथ आगे आगे जाना है लेकिन हाफ ड्यूरिंग द मंथ बोला तो हाफ का क्रेडिट पीरियड दिया तो क्या लिखेंगे हम हाफ ड्यूरिंग द मंथ लिखेंगे हाफ नेक्स्ट मंथ लिखे फिर से हाफ ड्यूरिंग द मंथ लिखेंगे हाफ नेक्स्ट मंथ लिखेंगे रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट एवर एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विथ सेल्स दैट इज ऑलवेज विथ क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आता कैश सेल्स का मतलब ही वो है जिस मंथ में गुड्स बेच दिए उसी मंथ में पैसे मिल गए दैट वॉज द कंसेप्ट जो आपको याद रखना है ऐसा ही कंसेप्ट आपके परचेजेस में भी आ सकता है तो वो भी एक बार सीख लेंगे परचेजेस में सम जो हमारे परचेजेस है एक जनवरी के और फेबरुवरी के लेते जनवरी का हमारा परचेजेस है फोर्टी फाइव थाउजेंड और फेबरुअरी का से फॉर एग्जांपल हमारा परचेजेस है फोर्टी थाउजेंड और परचेजेस में कहा है कि टेन परसेंट जो परचेजेस है वो कैश के परचेजेस है टेन परसेंट इज़ कैश परचेज तो फोर्टी फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ जाएगा और यहाँ पर आपका फोर थाउजेंड आ जाएगा तो अगर हम माइनस करेंगे फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो गेटिंग थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओवर हिस्सर थर्टी सिक्स थाउजेंड इन दी फेब्रुआरी तो दिस इज वॉट दिस इज द क्रेडिट परचेजेस ठीक है ये क्या है आपके ये है आपके क्रेडिट परचेजेस अभी समझो इस पे एडजस्टमेंट दिया है कि टू मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया है टू मंथ्स ठीक है दो महीने का क्रेडिट पीरियड है तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है एक हमारा कॉलम है पर्टिकुलर्स जनवरी फेब्रुवरी और मैं दो महीने एक्स्ट्रा बनाता हूं क्योंकि दो महीने का क्रेडिट पीरियड है मार्च अप्रैल ठीक है कितने मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है तो टू मंथ्स क्रेडिट पीरियड तो टू मंथ्स क्रेडिट पीरियड इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो जनवरी का क्रेडिट कितना है क्रेडिट परचेस कितना है फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो दो महीने का क्रेडिट पीरियड है तो हम यहाँ पे एक डैश देंगे यहाँ पे हम डैश देंगे और जनवरी का जो क्रेडिट है वो यहाँ पे लिखेंगे फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है फिर अगर हम देखें फेब्रुवरी का हमारा कितना है फेब्रुवरी का है हमारा थर्टी सिक्स थाउजेंड तो फेब्रुवरी में डैश होगा मार्च में डैश होगा अप्रैल में आ जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड इस तरीके से हमें सॉल्व करना है फिर अगर हम टोटल करेंगे टोटल विल बी सेम फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड एज दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी कॉल्ड एज पेमेंट टू क्रेडिटर्स इसको हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट यही चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है कैश बजट में धीरे धीरे सीखेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे सो दैट दिस विल बी वेरी मच कंफर्टेबल वाइल कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन ऑफ कैश बज तो ये था आज का बेसिक्स थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे एक कंप्लीट क्वेश्चन के साथ थैंक यू बाय बाय